प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल आदिवासी बहुल ग्राम मगरधा में शामिल हुए। कमल पटेल ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सबको आवास का सपना अब पूरे देश में तेजी से पूरा हो रहा है। पीएम आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने 50 साल देश पर राज किया, लेकिन गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज गरीबों के जीवन में नया उजाला आया है, यह प्रधानमंत्री आवास योजना से संभव हुआ है। कमल पटेल ने कहा कि इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की थी। गांधी जी कहते थे असली भारत गाँव में बसता है, लेकिन गाँव में सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया क्या? गांव में आबादी तो है, लेकिन उनका भूमि पर अधिकार नहीं था। कमल पटेल ने कहा कि मैंने इन्हें अधिकार देने की बात की, इस पर मुख्यमंत्री का समर्थन मिला और पायलट प्रोजेक्ट के तहत मसन गांव और भाटपटेरिया गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की गई। इसमें गांव के आवास की कीमत बढ़ी, फिर हमने 1,00,000 में पक्के मकान बनाकर देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की। अधिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन मैंने जिद करके योजना लागू कराई। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरा देश शामिल हो गया। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, विशेष करके गरीबों के। 1,75,000 होने 2,00,000 मकान जो प्रधानमंत्री आवास में बनकर तैयार हुए हैं, उनका गृह प्रवेश है। यानी 2,50,000 परिवारों को जिनके पास मकान नहीं थे या कच्ची झोपड़ी थी, उनके पक्के मकान बने, शौचालय सहित, बिजली सहित, गैस टंकी चूल्हा सहित। और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, गरीबों के जीवन में नया प्रकाश, नया उत्साह, नया उत्साह। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब आत्मनिर्भर गांव होगा। जब आत्मनिर्भर गांव होगा कब होगा? जब आत्मनिर्भर गांव में रहने वाला गरीब आदमी आत्मनिर्भर होगा, सक्षम होगा, यानी रोटी कपड़ा और मकान। गांव में झोपड़ी भी रहती है, गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है, जगह तो है ना उसकी। ये गांव में मकरदा ये कान में बसा हुआ आबादी, और आबादी का मालिकाना हक आज तक किसी को नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि जब आबादी वालों को हटा नहीं सकते और उनको मालिकाना हक दे देंगे, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका मैंने बनाकर दी। मसन गांव और भाटपटेरिया दो गांव को पायलट प्रोजेक्ट में लिया, अधिकारियों ने विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री का साथ मिला और मैंने जिद करके मसन गांव में 1,500 पट्टे दिए। पूरे एक एक गरीब से लेकर अमीर तक, मजदूर से लेकर किसान तक, वहां मंदिर है और भी कुछ चीजें, तो उनके भी पट्टे दे दिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास फ्री में दिए। और उसका फायदा यह हुआ बाद में मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि अपन मुख्यमंत्री आवास योजना बना। जब आवास के पट्टे मिल गए तो प्लाट की कीमत हो गई गरीब की झोपड़ी की भी 1,02,000। मैं ये पट्टे गारंटी में रखकर और 1,00,000 रुपए उस समय पर एक कमरा, किचन, बरामदा और लेटरिन बाथरूम बन जाता, और वो मुख्यमंत्री आवास मैंने जिद करके मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया। और उसका परिणाम हुआ कि मसन गांव में 100 मकान बैंक से उनको ऋण दिलाया। उस समय इंदिरा आवास 45,000 के आते 70,000, और हमने कहा कि 1,00,000 में से 50,000 जो हितग्राही है वो देगा किस्त में, और 50,000 सरकार देगी, यानी 700 रुपये महीना किस्त आती थी। 2 करोड़ परिवार के जो आवासहीन थे उनके पक्के मकान बनाने का काम योजना, अगर हम मुख्यमंत्री आवास योजना जो हमने बनाई उसी को मॉडल लेकर पूरे देश में लागू हुई, हमारे लिए बुरी की बात है। एक दूसरा एक योजना उसके साथ हमने और बनाया, जो मालिकाना हक देने का निर्णय लिया, गांव और शहर मिलकर देश बनाए। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, लेकिन कांग्रेस जिसने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, उनने गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमने
वो सपना पूरा किया गांधी जी का कि गांव का विकास कब होगा, जब गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हो। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बना के, ये तो सड़क तो पहले भी कभी बनी थी क्या? मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पहले इंदिरा आवास योजना थी, लेकिन घर बहुत कम बनते थे और उसके लिए भी लोग चक्कर काटते थे। हमने एक बार में अनेक मकान बनाने की योजना बनाई तो उसका लाभ ये हुआ कि गांव की बड़ी आबादी अब पक्के मकान में है। कमल पटेल ने बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि बाढ़ में झोपड़ी और कच्चे मकान के साथ इंदिरा आवास भी क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों का कुछ नहीं बिगड़ा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की पहल की है। यह तभी संभव होगा जब गांव आत्मनिर्भर होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्राम गुठानिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 परिवारों को आज प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम में मकानों को लोकार्पित कर उन्हें सौंपा। साथ ही उन्हें आदिवासी परिवार के साथ भोजन भी किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।